न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। भारत में बाल मजदूरी एक समस्या है या एक बहुत बड़ी समस्या का उपाय है, उकेल है, ये बात सोचने जैसी है। बाल मजदूरी की बात जब से ये इंटरनेशनल मार्केट हुआ है तब से ज्यादा आगे आई है। यूरोपियन देश, अमेरिका, इंग्लैंड डिमांड कर रहे हैं कि भारत में बाल मजदूरी रोकी जाए, नहीं तो हम भारत से माल मंगाना बंद कर देंगे। अब जो देश ये मांग कर रहे हैं उनकी बस्ती बहुत ही कम है, 12-15 करोड़ लोगों की बस्ती वाले देश है और हम 125 करोड़ लोगों की बस्ती वाला देश है। हम अब वो देश में जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं वही स्टैंडर्ड हमारे यहां लाने की कोई जरूरत है या नहीं है? मेरा मंतव्य है कि बाल मजूरों को हेजार्डियस, जहां भय है, खतरा है, गंदगी है, शारीरिक नुकसान होने की संभावना है, ऐसी जगह पे हरगिज नहीं लगाया जाए। फटाके बनाने की कारखाने में बाल मजदूरी बंद हो, दिया सलाई बनाने के कारखाने में बाल मजदूरी बंद हो, स्लेट बनाने के कारखाने में बाल मजदूरी बंद हो, भूगर्भ में उतरने की जो प्रक्रिया है, खदान की जो प्रक्रिया है उसमें बाल मजदूरी बंद हो, मर चाय की लारी पे या दर्जी की दुकान पे या वर्कशॉप में जहां स्कूटर मोटरसाइकिल रिपेयर हो रहे हैं या ठेले पे बाल मजदूरी रोक देना, मैं समझता हूं एक पाप से बढ़कर, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अब यह समस्या समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बच्चा यहां काम पर आया है उनका घर इतनी गरीबी में जी रहा है कि अगर वो बच्चा यहां नहीं काम करेगा तो उनके घर का गुजारा नहीं होगा। घर को चलाने के लिए वो बाल मजदूर बना है, या तो फिर घर है ही नहीं उनका, वो दुनिया में अकेला है। अब इनसे आप रोजी रोटी छीन रहे हो, जो नौकरी में रखते हैं उसे आप जेल में डाल रहे हो। आप कहना क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि बच्चा यहां काम ना करे और पढ़ाई करे। मैं पूछता हूं कि आपकी पढ़ाई में रखा क्या है? अकबर की बीवी का नाम क्या था? अकबर के बच्चे का नाम क्या था? अकबर के बाप का नाम क्या था? हुमायूं कौन सी साल में गुजर गया? झांसी की रानी घोड़े पे बैठी थी, हाथी पे बैठी थी, 22 फुट ऊंची दीवार लादी थी या 24 फुट ऊंची? आप जो पढ़ाई करा रहे हो उसमें से बहुत सारा ज्ञान एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नहीं है। पढ़ाई अच्छी है, मैं भी खूब पढ़ा हूं, मैं चाहता हूं पढ़ाई हो, मगर जो हमें पढ़ाया जाता है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं पढ़ाया जाता। मैं वकीलात पढ़ा और मैं कहता हूं कि सिर्फ वकीलात पढ़ने से अगर वकील बन जाते तो बात ही और थी। थर्ड LLB पास बच्चे को पूछा जाए, लड़के को, कि डिफेंस लॉयर दाई ओर खड़ा रहेगा कि बाई ओर खड़ा रहेगा, तो उसे पता नहीं है कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है, जहां चाहे वहां खड़ा हो। तो पढ़ाई से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती और आप ये मानकर चल रहे हो कि जो बच्चा
चाय की लारी पे काम कर रहा है या वर्कशॉप में स्कूटर या मोटरसाइकिल या कार रिपेयर कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। आपका मानना यह है कि वहां बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहां बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। मुझे कहने दो, मैं सच कहता हूं कि आपकी पढ़ाई से बेहतर पढ़ाई वो लड़का कर रहा है जो बच्चा चाय के ठेले पे है। वो एक दिन चाय की होटल का मालिक बनेगा, रेस्टोरेंट का मालिक बनेगा। वो पूरा बिजनेस सीख रहा है, बिजनेस के सीक्रेट सीख रहा है। पान की लहरी, पान के गल्ले पे बैठना भी एक बहुत बड़ा होशियारी का काम है। पान बनाना भी होशियारी का काम है। अगर बच्चा वहां बैठ के पान बनाना सीख रहा है तो वो हुनर सीख रहा है। एक बच्चा अपने बाप के साथ सिलाई काम कर रहा है या वो कड़िया काम कर रहा है तो एक हुनर सीख रहा है, वो पढ़ाई ही कर रहा है। कौन कहता है कि वो पढ़ाई से महफूज हो जाता है? वो सही पढ़ाई कर रहा है। मैं उदाहरण दूंगा आपको, बहुत बड़ा उदाहरण है। कलकत्ता की चाय की चाय कॉफी शॉप थी, कलकत्ता की एक कॉफी शॉप में एक बच्चा 8-9 साल का बच्चा डीसे धोया करता था, बेंच साफ किया करता था, लोगों को चाय सर्व किया करता था। और जब भी उसका मालिक उसे कुछ अनाप शनाप कहता था तो वो मालिक के सामने खड़ा होकर कहता था कि आप मुझे इस तरह से डांटते हो, मुझे पसंद नहीं है, एक दिन मैं बहुत बड़ी होटल बनाऊंगा और तुम्हें मैं वहां नौकरी पे रखूंगा। ये बच्चे के ख्वाब थे। पहनने को दो कपड़े नहीं थे और वो बच्चे ने जाके फिर भारत की होटल इंडस्ट्री में ऐसा नाम किया कि आप मान नहीं सकते। आप जो ओबेरॉय होटल देख रहे हो भारत भर में, दुनिया भर में, वो ओबेरॉय एक कॉफी शॉप में, शॉप भी नहीं बोला जाता, एक कॉफी की छोटी सी झोपड़ी में काम करता था। 8 साल में कुछ पढ़ा नहीं है ओबेरॉय, कुछ पढ़े नहीं है, उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती ना अच्छी, कोई पढ़ाई नहीं की ओबेरॉय ने। वो चेक पे साइन भी बड़ी तकलीफ से करते होंगे और आज नाम है उनके ओबेरॉय होटल्स के। तो उन्होंने हुनर सीखा, हॉस्पिटैलिटी सीखी और इतने बड़े होटल के मालिक हो गए। होटल की चेन है उनकी पूरी, अरबोंपति है आज ओबेरॉय फैमिली। तो आप क्यों मानते हो वो वहां कुछ नहीं सीख रहा है? हम एडवर्टाइज करती है सरकार कि बच्चा काम नहीं करेगा, बच्चा पढ़ाई करेगा, क्योंकि पढ़ाई करना उनका हक है। तो ये बात ही गलत है कि वह बच्चा वहां कुछ नहीं पढ़ता, बच्चा वहां अच्छी तरह से पूरा बिजनेस सीख लेता है, पूरी इंडस्ट्री की जानकारी ले लेता है और आगे जाके सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। वो समाज पे भी भारी नहीं है, वो गवर्नमेंट पे भी भारी नहीं है, वो कोई लाइन में खड़ा होके बड़ा बायोडेटा बना के इंटरव्यू में खड़े नहीं होते, वो अपने आप अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। तो क्यों हम रोक रहे हैं, क्यों हम इसे बंद करवा रहे हैं? आज जो बच्चा वर्कशॉप में काम कर रहा है, स्कूटर रिपेयर कर रहा है, वही बच्चा कल बहुत बड़ा वर्कशॉप का मालिक बनने वाला है। और आप क्या करते हो, 18-20 साल के बाद उसे आईआईटी में, आईटीआई में भेजते हो क्या? वहां स्कूटर रिपेयर सीख। अब वहां एक जूना पुराना 20 साल पुराना स्कूटर खड़ा है, वो बच्चे को वहां लगा के मास्टर जी दिखाते कि ये पाइप है, ये एग्जॉस्ट है, ये वो है, वो ये वो है। अब वो स्कूटर तो बाजार में मिलता नहीं है, वो मॉडल लेके वो सिखा रहे। और अब वर्कशॉप पे खड़ा है बच्चा, कल कोई नया मॉडल आ गया तो भी वो खोल देगा। जब तक कि वो 20 साल का होगा उन्होंने 5,000 स्कूटर खोल दिए और आप एक पुराने स्कूटर पे उसे पढ़ा के बता रहे हो कि ये वर्कशॉप में हमने सिखा दिया उसे। तो पढ़ने तो बच्चे को, ये भी ट्रेनिंग है, ये भी
एजुकेशन है, ये भी नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है, आपके नॉलेज से बढ़िया नॉलेज है। तो मैं समझता हूं कि ये अपने देश को, ये यूरोपियन देशों की बात नहीं सुननी है कि हमें बाल मजदूरी बिल्कुल रोक देनी है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग है, हम गर्व से कहें कि हमारे देश में लाखों बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मुझे कहने दो कि ताजमहल जो बना, क्या समझते हो, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी आ जाए मेरे सामने, ताजमहल जो बनाया, जिन्होंने, जो भी कारीगरों ने बनाया, उनमें से कोई भी कारीगर कोई भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके नहीं आया था, कोई आर्किटेक्ट नहीं पढ़ा था, कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा था, और इतना भव्य ताजमहल बना, इतना अच्छा ताजमहल बना, 700 साल से खड़ा रहने वाला ताजमहल बना था, क्योंकि वो अपने माँ बाप की, अपने उस्तादों की कॉलेज में पढ़े थे, माँ बाप के साथ रह के 6 साल का लड़का पढ़ रहा था कि कैसे बड़े बड़े मंदिर बनाए जाए, मस्जिद बनाए जाए, गिरजाघर बनाए जाए। तो ये जो ताजमहल बनाने वाले हैं, वो कहीं पढ़ाई नहीं कर गए थे, करने नहीं गए थे, फिर भी ताजमहल बना दिया। तो आप क्यों घबरा रहे हो कि ये नहीं पढ़ रहे? अरे ये नहीं पढ़ रहे तो ये अच्छे काम करेंगे, बड़े काम करेंगे। इजिप्ट के पिरामिड बनाने वाले कभी कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, और आज भी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इकट्ठे होके नक्शे, अभी भी नक्शे बना रहे, देख रहे क्या कैसे बनाइए, इतने भारी पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर से कैसे लाए गए, और इसी शेप में वो कैसे ऊपर गए, आज कैसे ऊपर चढ़ाए गए वो नहीं बता पा रहे, और अब अनपढ़ कारीगरों ने पिरामिड बना के दिखा दिया, क्योंकि वो अपने माँ बाप की स्कूल में पढ़े थे, अपने उस्तादों की कॉलेज में पढ़े थे, बचपन से पढ़े थे, तो हुनर था उसके पास, विद्या नहीं थी, हुनर था। तो ये मैं नहीं समझ पाता हूं कि क्यों हम ये ठेले वाले को पकड़ के जेल में डालते हैं कि तुम बच्चे को नौकरी पे रखते हो। अगर ओबेरॉय को पकड़ लिया गया होता बाल मजदूरी में, उसके ठेले वाले को जेल में डाल दिया होता, तो आज इतने बड़ा एम्पायर नहीं होता ओबेरॉय का। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, सचिन कौन था? सचिन बाल मजदूर था, क्यों सचिन को जेल में नहीं रखा आपने? सचिन को नौकरी रखने वाले को क्यों आपने जेल में नहीं रख दिया? सचिन 16 साल का था और वो क्रिकेट में, उन्हें क्रिकेटर बना दिया क्रिकेट एसोसिएशन ने, पढ़ने नहीं दिया सचिन को। सचिन पढ़ा लिखा नहीं है, कॉलेज नहीं गया, किसकी बदौलत नहीं गया? और हम कहते हैं कि सचिन को भारत रत्न दो, जो सबसे बड़ा बाल मजदूर रहा उसे भारत रत्न दो, मगर बाकी के जो मजदूर है, जो मजबूरी से काम कर रहे हैं, उसके मालिकों को जेल में डाल दो, और बच्चे को वहां से उठा के ले जाओ, सरकारी रिमांड होम में फ्री में थोड़े दिन खाना खिलाओ, फिर छोड़ दो। गरीब का बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर सकता है, वो दारू बेच सकता है, वो गुनहगार बन जाए हर्ज नहीं है, मगर उसे हम अच्छा ठेले वाला नहीं बनाएंगे, हम अच्छा मैकेनिक नहीं बनने देंगे। तो ये क्या लगा रखा है? लता मंगेशकर जी 6 साल की उम्र से लगी थी, पूरा कुटुंब का गुजारा कर रही थी, 6 साल की उम्र से आज 80 साल की हो गई, डालो लता मंगेशकर को जेल में, बाहर बाल मजदूर थी। नूतन जी कोई 8-10 साल की उम्र से फिल्म लाइन में आ गए थे, डालो नूतन जी के रिश्तेदारों को जेल में। तो ये क्या बात है? जब कोई लाखों का काम करता है, डांस इंडिया डांस में आता है, वो 2 साल तक डांस इंडिया डांस में डांस करता रहता है, 14 साल का है, 12 साल का लड़का है, तो हमें एतराज नहीं है। हम डांस इंडिया डांस वाले को नहीं पकड़ के जेल में डालते कि तुम इसे पढ़ने नहीं देते हो। स्लम डॉग मिलियनेयर्स बनाया, उसमें जो बच्चों की टीम थी, लगे होंगे 1-2 साल, तो वो बच्चों ने भी पढ़ाई छोड़ दी होगी, उसे ऑस्कर मिले क्योंकि वो रोज का 2000 कमा रहे थे, वो बाल मजदूर नहीं थे। तो जो रोज के 50-100 रुपया कमा लेते वो गुनहगार है,
₹100 देने वाला गुनहगार है, रोजगारी देने वाला गुनहगार है, और बड़े डायरेक्टर बन गए, खान बन गए, वो गुनहगार नहीं। तो डालो खान को जेल में, जिन्होंने स्लमलॉर्ड मिलियनर बनाया, बच्चों की पढ़ाई छीन ली, तो वहां हर्ज नहीं है। अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कोई करोड़पति सोनी फैमिली है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो सोनी की दुकान पे बैठ जाते हैं, वो चलेगा। मन आप नहीं कर सकते, गरीब नहीं कर सकते, तो इस पे हमें फिर से विचार करना होगा, फिर से सोचना होगा। हम गलत कर रहे हैं, सरकार की नीति गलत है। हो सकता है कि सरकार के नए कानून के हिसाब से मेरा बोलना भी, मेरा ये बोलना भी गुनाह हो, मुझे भी सजा हो सकती है, हो जाए। मगर सच बात यह है कि जो गंदे धंधे नहीं है, चाहे हेजाडियस नहीं है, कोई विस्फोटक नहीं है, ऐसे कामों से बच्चों को मत रोको। वो पढ़ाई ही कर रहे हैं, वो पढ़ ही रहे हैं, वो पूरा प्रोफेशन पढ़ रहे हैं। आप जो पढ़ाते हो कॉलेज स्कूलों में उससे अच्छा पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ने दे। सीधी बात में बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।